साथियों, आज हम आपको वर्णक वर्णक के बारे में पढ़ेंगे, जो तुम्हें वर्णक के बारे में पढ़ाएंगे। देखो वर्णक क्या होता है, इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं, एक नंबर का तो प्रश्न बनेगा इसमें से। अब देखो इसमें क्या है वर्णक, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की स्थिति कहाँ होती है, यह आरबीसी और प्लाज्मा में बनता है। ठीक है, प्लाज्मा बनता है, आरबीसी और प्लाज्मा बनता है। इसमें धात्विक समूह कौन सा होता है, ये तो सबको ही पता है हीमोग्लोबिन का। यह है लोहा, लौह धातु समूह है। और ये आक्सी आक्सीजनित में लाली लाल रंग होता है इसका ऑक्सीजन में, और अनाक्सी जनित में लाली रहता है। और ये सभी कशेरुकी जंतु और एनेलिड्स और मोलस्का में पाया जाता है। ठीक है, ये तो उतना मतलब उतना ये तो सभी नॉर्मली है, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन में धातु कभी आ जाता है, धातु समूह कौन सा पाया जाता है, जैसे लौह है। ठीक है, अब चलो ये तो ठीक है, सभी को आता है। इसके बाद हीमोसाइनिन ये आ जाता है, बहुत बार आया है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या होता है, इसकी स्थिति यह प्लाज्मा में स्थित होता है। और धात्विक समूह क्या है इसका, धात्विक समूह तांबा है। देखो आ जाएगा हीमोसाइनिन का तांबा है लौह धात्विक समूह। और इसका रंग कैसा होता है, अब हीमोसाइनिन का नीला रंग होता है, आक्सी जनित में नीला रंग और अनाक्सी जनित में रंगीन हो जाता है। यह मोलस्क और आर्थ्रोपोडा प्राणियों में पाया जाता है। आ सकता है हीमोसाइनिन का आक्सी जनित में रंग कैसा होता है, इसका नीला होता है, और अनाक्सी जनित में रंगीन होता है। ठीक है ना, यही तो ऐसे ही तो प्रश्न आते हैं, ज्यादा कठिन कुछ नहीं आता है। अब देखो फिर क्या है, हीमोइरिथिन भी आ सकता है। हीमोइरिथिन की स्थिति कहाँ है, ये रुधिराणु में बनता है, रुधिराणु में। ठीक है, रुधिराणु में। और इसकी धातु समूह क्या है, इसमें लोहा, जैसे हीमोग्लोबिन में होता है लोहा ना, वैसे ही इसमें भी हीमोइरिथिन में भी लोहा है। लेकिन इसका रंग कैसा है, इसका रंग भी लाल है। ये देखो ठीक है, हीमोग्लोबिन की तरह हीमोइरिथिन ना लाल है, और इसका ये ऑक्सीजनित में तो लाल लाल होता है, लेकिन अनाक्सीजनित में रंगीन हो जाता है, जैसे कुछ एनिलिड्स में पाया जाता है। ठीक है ना, हीमोइरिथिन में प्रश्न ये बन सकता है कि इसका धात्विक समूह क्या है, धात्विक समूह लोहा है, जैसे हीमोग्लोबिन का है वैसे हीमोइरिथिन का भी है। उसके बाद आता है क्लोरोक्यूरिन, ये भी आ सकता है, ये आया है पिछली बार। क्लोरोक्यूरिन क्या होता है, इसकी स्थिति और प्लाज्मा में, ठीक है, सभी ये प्लाज्मा में होती है, धातु समूह इसमें तांबा पाया जाता है, जैसे हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है ना, वैसे इसमें भी हीमोक्यूरिन में भी तांबा पाया जाता है। लेकिन इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हरा होता है। ये देखो यही मोस्ट है क्लोरोक्यूरिन का, आ जा सकता है। इसका रंग कैसा है, क्लोरोक्यूरिन क्लोरो वैसे क्लोरोफिल होगा तभी हरा होगा, ऐसे भी याद कर सकते हो, क्लोरोफिल के कारण क्लोरोक्यूरिन हरा रंग। और ऑक्सीजनित में तो हरा ही होता है, अनाक्सीजनित में भी इसका हरा ही होता है, यह कुछ एनिलिड्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है पिन्नोग्लोबिन। पिन्नोग्लोबिन ये तो सबसे अलग है, ये ठीक है, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। इसकी धातु समूह क्या है, मैग्नीज है, ये आ सकता है इसमें। पिन्नोग्लोबिन का धातु समूह बताइए, इसका मैग्नीज है, और इसका रंग कैसा होता है पिन्नोग्लोबिन का आ सकता है। पिन्नोग्लोबिन का लाल हरा नीला ऐसा वहाँ ऑप्शन में होगा, भूरा भी होगा। सबको पता नहीं होगा कि पिन्नोग्लोबिन का रंग भूरा होता है, ये होता है, पिन्नोग्लोबिन का रंग भूरा होता है ऑक्सीजनित में, अनाक्सीजनित में भी भूरा होता है। यह कौन जो ये कुछ मोलस्का में पाए जाते हैं। इसमें मोस्ट प्रश्न यही बनता है साथियों कि पिन्नोग्लोबिन का धातु समूह क्या होता है, मैग्नीज होता है, जैसे हीमोग्लोबिन का लौह होता है, हीमोसाइनिन का तांबा होता है, ये भी आ सकता है हीमोसाइनिन का तांबा मोस्ट है भी साथियों। इसको रट लो और एक बार समझ लो, सब सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। पांच प्रकार के हैं ये वर्णक, ये इसमें से एक प्रश्न नहीं आएगा, नाम बदल देना। ठीक है ना साथियों, थैंक यू सर।